नमस्कार, मैं अर्शिवा खान, आप सबका खबर 100 में स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद है इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय गेट पर, जहाँ हम जानेंगे जल से दोस्ती अभियान के बारे में। मैम, जल से दोस्ती अभियान कब शुरू किया गया? जल से अभियान शुरू हमने विगत 6 महीने पहले स्टार्ट किया था। पहले हमने इसका एक स्टडी करी थी कि कितना ऐसा एरिया है जो हमको भूमि जल से, हमको नीचे जो पानी कमी हो रही है, तो कुछ एरिया हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पर ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, क्योंकि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो रेन वाटर हमारा जो छत बारिश का पानी है वो अननेसेसरी बारिश के माध्यम, छत के पानी के माध्यम से सड़कों पर या फिर ड्रेनेज में या फिर सीवरेज लाइन में मिलकर अनुपयोगी हो जाता है। तो हमारा नागराज चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम का उद्देश्य है कि इस पानी को उपयोगी बना जाए। उसका प्रोसेस ये है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम एक फिल्टर को माध्यम से पानी बोरवेल में उतार कर हम लोग पूरा ज़मीन का जो पानी है उसका लेवल हम ऊपर लाना चाहते हैं, और हम पूरे इंदौर में ये वाला काम कर रहे हैं। और हमारे जो पूरी टीम है, मैं उसके साथ पूरे इस अभियान का हम लोग हिस्सा हैं, और हमारी कोशिश है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। और धन्यवाद जी। बिल्कुल, हमारी आपकी सर बताइए, आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? हमारी टीम में एक्चुअली काफ़ी, हमारा जो एनजीओ है उसमें तो 20-25 लोग हैं, उसके अलावा और भी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग और एनजीओस भी हम लोगों के संग मिलकर काम कर रहे हैं पूरे इंदौर में। जी जी सर, बताइए आज तक और कहाँ कहाँ प्रयास किया गया है? जैसे कि हमने प्लान किया है राजवाड़ा में भी करना है हमको, और भोलपुर चौराहे पर भी, एलआईजी चौराहे पर भी, तो जो भी जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा हम कवर कर रहे हैं, ताकि सबको ये मैसेज जाए कि जल से ही दोस्ती करें। जल से दोस्ती करने का मतलब, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, जल से दोस्ती नाम कैसे रखा गया? जी मैम, पानी की जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन जा रहा था, इसको हमने बढ़ाने के लिए एक जल के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। प्रोग्राम से एक जल से दोस्ती, ये नाम दिया गया है इस प्रोग्राम को, तो इस टाइप से ये जल दोस्ती प्रोग्राम निकला है। एक्चुअली ये प्रोग्राम हम इंदौर के 85 वार्ड में, पूरे कम्प्लीट 85 वार्डों में करना चाह रहे हैं। ये ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। इसको हम अलग अलग टेक्निक से कर रहे हैं, फिल्टर माध्यम से कर रहे हैं, पीट के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रोसेस से हम वाटर लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं। जल से दोस्ती अभियान में अब हम जानेंगे कि जल से दोस्ती तो कर ली है, पर क्या ये सफल हो पाएगा? जिस भी चीज़ की कोशिश करते तो वो हर चीज़ सफल होती है, और हमें इसको सफल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास पानी है, इन फ्यूचर हमारी जो पीढ़ी आएगी और जो आगे के लोग हैं उनके पास पानी नहीं हो पाएगा, तो हमें कुछ भी करके पानी सेव करना है, इसलिए ये एक बहुत बेस्ट तरीका है कि पानी सेव कर सके उन लोगों के लिए। जल से दोस्ती अभियान के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं जल से दोस्ती के, उसमें जैसे हम अपनी सुरक्षा, अपने दोस्त की सुरक्षा हम करते हैं, उसी प्रकार हम जल की सुरक्षा करें, उसको सेव करें। पानी, बरसात का पानी जो बह के निकल जाता है वो व्यर्थ होता है। देखिए, बारिश अगर 50 इंच भी हो तो भी अगर ग्राउंड वाटर लेवल अगर नहीं बढ़ता है तो पानी, बारिश का कोई मतलब नहीं है। बारिश गिरती है और उसको हम सेव करते हैं, प्रकृति हमें जो पानी देती है उसको हम सेव करते हैं, तो ही पानी का महत्व, हमें पानी मिल पाएगा, उसकी गुणवत्ता हमें मिल पाएगी। जी बिल्कुल, इस अभियान में मतलब एनजीओ, सर बताइए इस अभियान में मतलब एनजीओ के थ्रू हेल्प मिल रही है या फिर कोई नगर निगम भी आपकी सहायता कर रहा है? देखिए, ये अभियान एक्चुअली भी नागरिक चैरिटेबल ट्रस्ट ने चालू किया है, ये अपन नगर निगम के संग मिलकर कर रहे हैं। नगर निगम ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसके अंदर लोगों को पूरे इंदौर में जागरूकता अभियान करके 10,000 कनेक्शन करीब का अभियान हम लोग टारगेट रखा हुआ है ना, इसमें से अभी कंटिन्यूटी में चल रहा है, तो 10,000 का पूरा करने के लिए और एनजीओज भी जुड़ रहे हैं, जो जो काम करते जा रहे हैं हम लोग उनको जोड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभियान बड़े स्तर पर करना है, और इसके लिए नगर निगम जो जिनका कनेक्शन लगवाते हैं उनका 6.5% की छूट भी देती है ना। अगर सभी लोग इसको लगाते हैं, अगर सभी लोग इसको लगा रहे हैं तो इतना ज़्यादा पानी उतरेगा, नर्मदा में जितना पानी है, अगर 10,000 घर में अगर टारगेट कर लेते हैं, नर्मदा का जितना पानी इंदौर में आ रहा है उसका 3 गुना पानी अपन जमीन में उतार जाएंगे। जी सर बिल्कुल, खान नदी में, इंदौर की खान नदी में जितनी गंदगी, उसके लिए आपके क्या प्रयास रहते हैं?
खान नदी में अभी नगर निगम के प्रयास चल रहे हैं और काफ़ी जगह उन्होंने फिल्टर प्लांट भी लगाए हैं, उसको साफ कर रहे हैं पानी को, और जल्दी वो अभियान तेज होता जाएगा। तो आने वाले समय में हम उम्मीद कर रहे हैं कि साफ पानी हो जाएगा और वो पानी जो अपना फिल्टर होने के बाद खेती में अगर काम आ सकता है तो उसका भी उपयोग हो पाएगा। जी सर, धन्यवाद। खबर 100 की टीम की तरफ से जल से दोस्ती को बहुत बहुत शुभकामना, और इसी तरह वो प्रयासरत रहें। मैं अलशिफा खान, अब आप सब से इजाजत।